हाँ जी, आज बहुत ही खुशी का दिन है। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं सचिन मिश्रा, इनके बेटे प्रज्वल का आज चौथा जन्मदिन है। और उससे भी ज्यादा खुशी की एक और बात है कि आज हम अपनी ये फिल्म कैसन ई प्रीतबा को लॉन्च कर रहे हैं, जिसके राइटर और डायरेक्टर अमित शुक्ला जी मेरे साथ ही बैठे हुए हैं। और भोजपुरी सिनेमा के इतिहास में ये सबसे साफ सुथरी और बहुत ही खूबसूरत स्टोरी होने वाली है। यंगस्टर्स की एक रियल प्रेम कहानी से प्रेरित ये फिल्म है और बहुत ही अच्छी फिल्म है। आप सबकी दुआओं की जरूरत है, ये पिक्चर बहुत सक्सेसफुल होनी चाहिए और बहुत कामयाब होनी चाहिए। शुभकामनाएं सर। वो फर्स्ट पन्ना खोल देना जी। अब ये होल्ड करूं, एक्सप्रेशन होल्ड करना पड़ता है। चलिए जी, अब सवालों का दौर शुरू करते हैं। राम जी, क्या करना पूछे? सर सुनिए सर, आपका नाम के साथ नमस्कार जी। नमस्कार, मैं हूँ गुलशन पांडे, क्राइम पेट्रोल सीरियल में आपने शायद देखा हो कभी, और कुछ फिल्म्स भी की हैं, और मेरा पहली भोजपुरी फिल्म ये होने वाली है। इससे पहले मैंने विदेशिया फिल्म में एक बहुत छोटा सा किरदार किया था, लेकिन इसमें मैं बहुत अच्छा किरदार करने वाला हूँ, और आप लोगों से उम्मीद है कि सिनेमा घर में आके इस फिल्म को देखेंगे और मुझे बहुत हौसला मिलेगा, हौसला देंगे। सर जैसे आप क्राइम पेट्रोल या फिर साउथर्न इंडिया हुआ, उसमें जिस किरदार में आप नजर आते हैं फिल्मों में, क्या वही किरदार हो या दूसरा कोई होगा? नहीं, फिल्मों में अधिकतर मेरे को वही किरदार मिलता है, लेकिन कुछ अलग किरदार भी मैंने किए हैं। इसमें भी मेरा वो पुलिस वाला किरदार नहीं है। अब वो क्या है वो सस्पेंस है, ये बताएंगे नहीं, आपको सिनेमा घर में आना होगा। अमित जी की बात किया जाए, हमेशा इनके आप सीनियर होते हैं और इनके डायरेक्शन में यहाँ पे काम करने जा रहे हैं, थोड़ा उल्टा है तो क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में मैं क्या कहूँ, ये डायरेक्टर तो हमेशा कैप्टन ऑफ द शिप होता है, तो इनके आदेश इनके हाथों की कठपुतली बन के नाचेंगे, वैसे कुछ नहीं है। और सीनियर कुछ नहीं होता है, वो एक्शन तक सीनियर होता है, कट होने के बाद ये सीनियर नहीं रहने देते हैं। मैं बताऊंगा ही नहीं है क्या क्या करते हैं। क्या आज खुलासा करें या फिर करें? नहीं, अच्छे हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं, ईश्वर इन्हें तरक्की दे, और बहुत सुलझे हुए दिमाग के आदमी हैं, अच्छी फिल्म बनाएंगे ये, मुझे पूरी उम्मीद है सर। बात कीजिए सचिन जी की, जिनके बेटे प्रज्वल का आज चौथा जन्मदिन मनाया गया, तो उसके क्या कहना चाहेंगे? बस ये भी बहुत सीधे हैं, प्रोड्यूसर इतना सीधा नहीं होना चाहिए, लोग लूट के करना। तो इनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और लेकिन इनके पास टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, हमारे लाइन प्रोड्यूसर अर्जुन जी यहाँ है, यशराज बैनर के साथ जुड़े रहे हैं, इनका सारा एक्सपीरियंस जो है वो सचिन जी के काम आने वाला है, और पंकज उपाध्याय जी हमारे इधर बैठे हुए हैं, ये भी क्राइम पेट्रोल के रिनोन आर्टिस्ट, ये भी साथ में रहने वाले हैं, ये पंकज ये अमित जी को असिस्ट करेंगे डायरेक्शन में भी, और एक्टिंग भी करेंगे, हमारे साथ रहेंगे, मतलब बड़ी अच्छी टीम जुड़ रही है, और मैं इस टाइम बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि ये पिक्चर कल से फ्लोर पे हो। सचिन जी जरा जल्दी करिएगा। ओके okay, सर। अमित जी क्या कहना चाहेंगे आप? बस ये फिल्म अच्छे से बने, मैं खुद बिहार में पैदा हुआ हूँ और भोजपुरी भाषा से बहुत प्रेम है, और सीधी सी बात है कि हर किसी को अपनी मिट्टी से प्यार होता है, लेकिन पहली भोजपुरी मैं करने जा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ भोजपुरी में भी जिस तरह बाकी लैंग्वेज में भी हर तरह का सिनेमा बनता है, भोजपुरी में भी हर तरह का सिनेमा बने। ये ट्रू एक लव स्टोरी से इंस्पायर है, ये यूथ की फिल्म है, कॉलेज की के यंगस्टर के ऊपर है कि कॉलेज लाइफ में भी बहुत सारी मस्तियाँ होती हैं या बहुत सारे उतार चढ़ाव भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, प्यार भी होता है, खुशियाँ भी होती हैं, डिप्रेशन भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट उसी बीच में एक ट्रू लव स्टोरी है, और वो लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है, आगे चल के क्या घटनाएं होती हैं, लव स्टोरी सक्सेस होती है कि नहीं होती है, क्या होता है, बहुत सारे अब कहानी में सुना ही है, रियल को देखना है सिनेमा रियल स्टोरी पे बेस्ड है, तो वो सिनेमा हॉल में ही आप देख के। सर बात करें जैसे कि सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल के माध्यम से आप घर घर में जाने पहचाने जाते हैं, तो इस फिल्म में आप किस रूप में नजर आने वाले हैं? एज एन राइटर डायरेक्टर, मैं चाहता हूँ, मैं भोजपुरी सिनेमा में उतर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि एक साफ सुथरी ऐसी फिल्म दी जाए, साफ सुथरी के नाम पे सास बहू बन जाती है फिल्में, जैसे डेनिस हॉपर में हम देखते हैं, या तो फिर बहुत मसाला वाली फिल्में बनती है। साफ सुथरी का मतलब ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ सास बहू टाइप की फिल्में बने, ठाकुर टाइप बने, और भी हर तरह का, मेरे ख्याल से हर तरह का सिनेमा
भोजपुरी में भी बनना चाहिए, जैसे वर्ल्ड लेवल पे भी या अदर रीजनल लैंग्वेज में भी बनता है, वैसे भोजपुरी में भी बनना चाहिए मेरे ख्याल से। सर किरदार की बात की जाए तो कोई किरदार में भी नजर आएंगे या पर्दे पीछे ही रहने वाले हैं?